हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे डिवीजन एंड इट्स चेकिंग। तो सबसे पहले हम डिवीजन के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि डिवीजन क्या होते हैं और डिवीजन क्यों किया जाता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले हेल्प लेते हैं एक छोटे से टॉफी के पैकेट की। चलिए मान लीजिए कि आपके पास एक छोटा सा टॉफी का पैकेट है और इस टॉफी के पैकेट में 11 टॉफीज हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने दोस्तों को इसमें से दो दो करके टॉफियां बांटें। तो ये प्रोसेस कैसे होगा, चलिए देखते हैं। ये प्रोसेस होगा, 11 टॉफियां हैं तो इन 11 टॉफीज में से पहले आप दो टॉफी निकालोगे और एक दोस्त को दे दोगे, ठीक है। तो आपके पास बचेंगी 9 टॉफीज। फिर इसी तरह से आप 9 टॉफीज में से फिर 2 टॉफीज निकालोगे और दूसरे दोस्त को दे दोगे, तो फिर आपके पास बचेंगी 7। फिर 7 में से फिर 2 निकालेंगे और फिर आपके पास बचेंगी 5। ये प्रोसेस इसी तरह से चलता रहेगा। 5 - 2 = 3 एंड 3 - 2 = 1। अब आपके पास सिर्फ एक टॉफी बची है और ये टॉफी आप किसी को नहीं देंगे क्योंकि आपने दो दो टॉफीज बांटनी थी, ओके? तो यहाँ पर एक नंबर है जो बार बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वो है 2। देखिए 11 - 2 - 9 - 2। तो इस तरह से रिपीटेड सब्ट्रैक्शन को हम डिवीजन में चेंज करते हैं। तो हम इसे डिवीजन में कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे 11 / 2, ओके? और डिवाइड कैसे करेंगे, हम लिखेंगे 11 इस तरह से, एक उल्टा हैट बनाते हैं, 2 बाहर आएगा, 2 - 5 = 10 माइनस होगा तो आपके पास बचेगी एक टॉफी, ओके? तो ये जो एक टॉफी बची थी वो यहाँ पर ये रही, और जो आपके ये 5 दोस्त आए थे 1, 2, 3, 4, 5 ये रहा आपके 5 फ्रेंड्स, ओके स्टूडेंट्स? तो इस तरह से रिपीटेड सब्ट्रैक्शन को ही हम डिवीजन कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लेंगे एक बड़ा नंबर, उसे डिवाइड करेंगे और फिर उसे चेक करेंगे कि हमारा डिवीजन सही है या गलत है। चलिए हमने लिया है एक नंबर 2701 और हम इसे डिवाइड कर रहे हैं 2 से, ओके? तो डिवीजन कैसे करते हैं, 2 - 1 = 2, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 - 2 = 0, उसके बाद क्या करते हैं, हम 7 को डाउन करेंगे, फिर हम 2 का टेबल 7 तक बोलेंगे, 7 से आगे नहीं जाना है, 7 से पीछे रुक सकते हैं। तो 2 - 3 = 6, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 - 6 = 1, उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट नंबर डाउन जो कि है हमारे पास 0। अब हम 2 का टेबल बोलेंगे, 10 तक जाना चाहिए, 2 - 5 = 10, ओके? फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आता है 0, ओके? इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट नंबर डाउन और वो है हमारे पास 1, ओके? तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 1 है और हम 2 का 1 में डिवीजन कैसे करेंगे, 1 तो छोटा है, तो कुछ बच्चे गलती यहाँ पर ये करते हैं कि वो इसे ही रिमाइंडर लिख देते हैं क्योंकि हमारे पास आगे कोई भी नंबर डाउन करने के लिए नहीं है। तो स्टूडेंट, ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। जब हम किसी नंबर को डाउन करते हैं तो उसका एक बार डिवीजन करना जरूरी है, तो हम यहाँ पर 0 टाइम्स डिवीजन करेंगे, 2 - 0 = 0, फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास फिर से 1 बचेगा। अब हम इसे लिखेंगे रिमाइंडर, ओके? यहाँ पर रिमाइंडर नहीं लिखेंगे, डाउन करने के बाद एक बार डिवीजन करना जरूरी है, ओके? ये है आपका रिमाइंडर। ओके? और ये जो नंबर मिला है हमें इसे कहते हैं कोशंट, कोशंट। ये जो नंबर है जिससे इसे डिवाइड किया जाता है उसे कहते हैं डिवाइजर, जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है उसे कहते हैं डिवाइडेंड। डिवाइडेंड
करेंगे इस डिवीजन को चेक। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन की डिजिट को काउंट करें, 1, 2, 3, 4। जितनी यहाँ पर डिजिट होती हैं, उतने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के साइन होने चाहिए। 1, 2, 3, 4 मीन्स हमने कोई भी डिजिट मिस नहीं की है, क्योंकि कभी कभी बच्चे क्वेश्चन में डिजिट लिखना भूल जाते हैं और आगे का डिवीजन कर देते हैं। सो यहाँ पर जितने डिजिट होंगी उतने सब्ट्रैक्शन के साइन होने चाहिए। दूसरा है रिमाइंडर। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर है 1, 2 से छोटा है, और ये आप हर स्टेप में चेक करें जहां जहां आप सब्ट्रैक्शन करें। जैसे 2 - 2 0 आया था, 0 भी 2 से छोटा था। 7 - 6 1 आया था, 1 भी 2 से छोटा था। तो इस तरह से आप हर स्टेप में ये चेक करें तो आपका डिवीजन सही होगा। अब आती है फाइनल चेकिंग की बारी, जो कि आपको बुक में एक लंबा सा फॉर्मूला मिलता है, तो उस फॉर्मूले को हम लिखेंगे नहीं, हम खुद बनाएंगे। चलिए देखते कैसे बनता है वो फॉर्मूला। हम करेंगे डिवाइजर एंड कोशंट की मल्टीप्लीकेशन, 2 एंड इस नंबर की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और जब हमें मल्टीप्लीकेशन मिल जाएगा उसके बाद इसमें करेंगे हम सीधे रिमाइंडर को ऐड। ओके, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद और उसमें 1 ऐड करने के बाद जो हमें नंबर मिलेगा, अगर वो इस नंबर के बराबर आता है तो मींस हमारा डिवीजन बिल्कुल सही है। तो चलिए चेक करते हैं डिवीजन को। 1, 3, 5, 0 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर उसमें हम ऐड करेंगे 1, तो हमें कौन सा नंबर मिलता है चलिए चेक करते हैं। 1, 3, 5, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 0s are 0, 2 5s are 10, 2 3s are 6 1 7 एंड 2 1s are 2 हमें ये नंबर मिला। इसके बाद हमें करना है 1 ऐड, तो हम 1 ऐड करके देखते हैं, 1 0 7 2। आप देखेंगे ये जो नंबर है ये बिल्कुल इस नंबर के जैसा है, मीन्स हमारा डिवीजन बिल्कुल सही है, हमने चेक कर लिया। तो हमें ये नंबर मिला 2701। ओके स्टूडेंट्स, यहीं से वो फॉर्मूला बनता है जो आपको बुक में मिलता है। ओके चलिए बना कर देखते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। ये नंबर है हमारा कोशंट, अब ये 2 नंबर क्या था हमारा डिवाइजर, वन क्या था हमारा रिमाइंडर, इक्वल टू ये जो नंबर था हमारा ये क्या था डिवाइडेंड। तो स्टूडेंट्स आपने देखा ये जो फॉर्मूला है जो बुक में मिलता है, बच्चे इसे अक्सर लर्न करने की कोशिश करते हैं और फिर मिस्टेक करते हैं, तो आपको ये बिल्कुल भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपको ये जो नंबर ऊपर आता है कोशंट और जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं इनको मल्टीप्लाई करना है, और इनके मल्टीप्लीकेशन में ये रिमाइंडर ऐड करना है। कभी कभी रिमाइंडर 0 भी होता है, तो तब इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से ही आपका डिवीजन चेक हो जाता है। तो इनका मल्टीप्लीकेशन और प्लस ये करने पर ये नंबर आना चाहिए, और यही वो फॉर्मूला होता है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि डिवीजन को चेक करना कितना आसान होता है, इसका ये जो फॉर्मूला है इसे लर्न करना, इसे बनाना कितना आसान है। स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।